हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज यूज करेंगे हम पार्कर 78R ऑन यूज नंबर 2 विद अ न्यू पार्कर ब्लेड एंड कैलाश शेविंग सोप एंड स्किन फूड फ्रॉम शेवोलॉजिस्ट। आइए आज की शेव शुरू करते हैं। तो शेव चालू करने से मैं आपको बता दूं कि आज मैंने यूज किया है पतंजलि का एलोवेरा फेस वॉश एंड इसमें बताएगा हाइड्रेशन बूस्टर स्मूथ क्लियर एंड रेडिएंट स्किन। ओके सो नाइस, अच्छा लगा मुझे। स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है और एक मॉइस्चर लग रहा है चेहरे पे, विच इज गुड। इसका कोई झाग तो एज सच बहुत ज्यादा नहीं बना, हल्का सा झाग बना। आज के पानी का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा पानी चेहरे पे अप्लाई कर लेता हूं, सॉफ्ट वाटर है ये, मतलब बोरिंग का पानी नहीं है, बोरवेल का पानी। आज जो है वो चालू करते हैं अपन कैलाश शेविंग सोप से। ओके फ्रॉम शेवोलॉजिस्ट, वेरी नाइस विंटर लविंग स्मेल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ओके इस तरीके का ये सोप है। ओके क्या ये हार्ड है? तो ये एक सेमी सॉलिड कहूंगा मैं, क्रोप कंसिस्टेंसी का कहूंगा, बट इसकी खुशबू दोस्तों बहुत ही अलग है। इसकी खुशबू में बेस में टोबैको ऊद जैसी खुशबू है और स्टार्टिंग में ग्रीन हर्ब्स के जैसी खुशबू है। काफी लोग अगर जानते होंगे तो एक परफ्यूम आता है नासोमातो का, ब्लैक अफगानो, उसके बारे में भी नोट्स के बारे में कुछ ऐसा ही डिस्क्राइब किया जाता है। सो आई थिंक दिस कैलाश इज इंस्पायर्ड बाय नासोमातो ब्लैक अफगानो। सो इफ यू हैव यूज कैलाश और आपको लगता है कि यस वो बात सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। ब्रश यूज कर रहे हैं जॉय शेविंग एडिशन फ्रॉम रुबाब मैन। सो इसका भी एक जो है वो आई एज टोल्ड कि एक माइल्ड एक्सफोलिएटर के जैसे काम करता है ब्रश। फेस लादरिंग में तो अच्छा काम करता ही है एंड आपका बोल लादरिंग में भी अच्छा काम करता है। लेट स्टार्ट टू लादर अप विद द कैलाश शेविंग सोप फ्रॉम शेवोलॉजिस्ट। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अभी 10 ही स्वॉल्स ले रहा हूं, 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ है। ओके लास्ट में 78R को हमने 4 दिन लगभग बियर्ड ग्रोथ पे यूज किया था, आज 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ और ब्लेड भी जो है वो पार्कर यूज कर रहे हैं। शेवोलॉजिस्ट के सोप्स के साथ में एक चीज मेरे साथ जरूर होती है कि मैं 20-25 स्वर्ल्स लेता हूँ एंड देन आई रियलाइज कि यार जरूरत से ज्यादा ले लिया है, तो इस बार मैंने सिर्फ 10 स्वर्ल्स कलेक्ट किए हैं। देखते हैं कितना लादर बनता है एंड देन जरूरत पड़ी तो फिर और लादर कलेक्ट करेंगे अपन सोप पे से। बाकी या लेट्स सी, अब खुशबू थोड़ी सी हल्की सी एनहेंस हुई है। और ये मैं कहूंगा कि यार ये विंटर्स के लिए सही में ही बहुत अच्छी खुशबू है। लाइक इफ यू लाइक टोबैको ऊद सेंट एंड उसके ऊपर लेयर होके अगर आपको ग्रीन हर्बल नोट्स मिलेंगे, अगर आपको इस प्रकार की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है देन यू कैन कंसिडर ट्राइंग कैलाश शेविंग सोप। शेवोलॉजिस्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे ये भी बताना पड़ता है कि आप जब ये वीडियो देखते हो तब तक वो प्रोडक्ट्स शेवोलॉजिस्ट.com से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। आई थिंक शेवोलॉजिस्ट.com है, शेवोलॉजिस्ट.in मैं वेबसाइट दे दूंगा यहाँ ऊपर। बट या तो मुझे जब मौका मिलता है तब मैं शेवोलॉजिस्ट के प्रोडक्ट्स का रिव्यू जरूर करता हूँ दोस्तों, बिकॉज आई लाइक देम। आई थिंक दीज आर रियल सोप्स, रियल शेविंग सोप्स विच आर एक्चुअली कुक्ड बाय अतुल भाई चड्डा जी एंड हिज वर्क हैज बीन वेरी फैबुलस टिल नाउ। सही में आई हैवंट बीन डिसअपॉइंटेड विद एनी ऑफ हिज क्रिएशन सो फार। भाई क्या अब तो क्या एनहेंस हो रही है यार खुशबू, वाह रियली वेरी गुड। हा हा ऐसे लगता है लादरिंग करते ही जाओ करते ही जाओ। टिप्स पे थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने एंड देन हा देखो ये होता है लादर। ये होता है लादर, वाह बहुत बढ़िया यार, व्हाट एन अमेजिंग खुशबू यार। दिस इज रियली रियली रियली
वेरी नाइस सेंट, ब्यूटीफुल, बहुत मजा आ रहा है। दिस इज रियली, दिस जस्टिफाइज टू बी एन आर्टिजन शेविंग सोप एंड शेविंग सोप सेट, वेरी नाइस। सो आज का लादर जो है वो आई वोंट कॉल इट पेस्टी बिकॉज मैंने थोड़ा पानी ऐड किया, ओके, बट आई थिंक इट्स कंसिस्टेंसी इज गुड। लादर का वॉल्यूम जितना चाहिए उतना है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमने बढ़ाया नहीं है बिकॉज दो दिन की बियर्ड ग्रोथ है, एंड दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ। लादर डिसिपेट नहीं हो रहा है, स्टेबल है, थोड़ा सा सिल्की जरूर है, पेस्टी नहीं है, सिल्की है, ओके। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द शेव। सो एज आई टोल्ड, पार्कर 78R ऑन यूज नंबर 2 विथ पार्कर ब्लेड, ओके, इसको यूज करेंगे एंड कल में थोड़ी कर लेते हैं क्लियर, एंड इस लाइन पे भी थोड़ा सा अपनी छाप छोड़ देते हैं। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पास विद द ग्रेन, पार्कर 78R एंड पार्कर ब्लेड। ये रेजर नॉर्मल ट्रेडिशनल जो डबल एच थ्री पीस रेजर्स आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी जो इनोवेशन अभी हुआ है लेटेस्ट, पर्ल शेविंग K2 और पार्कर 78R, रियली गुड रेजर्स। वेल पर्ल शेविंग K2 आई फील दैट इज अ गुड रेजर फॉर मे बी डेली और यू नो एक दो दिन छोड़ के जो शेव होती है उनको करने के लिए बहुत अच्छा है। 78R का तो अभी मुझे कंक्लूसिव ओपिनियन बनाना है, बट एज ऑफ नाउ लास्ट शेव और इस शेव में अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे 78R का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, आराम से कट करता है, स्मूथली कट करता है, एंड कोई टगिंग, कोई ऐसा यू नो खिंचावट, फ्रिक्शन वगैरह महसूस नहीं होता है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स, काफी सारे हमारे दोस्तों को छोटे छोटे स्ट्रोक्स, ये स्टेटमेंट काफी अच्छा लगता है। सो फॉर ऑल फ्रेंड्स हु लाइक छोटे छोटे स्ट्रोक्स, छोटे छोटे स्ट्रोक्स। ऑलराइट, लेफ्ट साइड स्किन स्ट्रेचिंग, ये होता है मेरे साथ यार कि मैं ना लेफ्ट साइड पे आते आते मुझे ध्यान आता है कि मुझे स्किन स्ट्रेचिंग करनी चाहिए थी। अगेन आई एम्फसाइजिंग, स्किन स्ट्रेचिंग आप किया कीजिए बिकॉज प्रॉबेबली आपको लेस नंबर ऑफ स्ट्रोक्स और लेस नंबर ऑफ पासेस में एक रिलेटिवली क्लीनर शेव मिलनी चाहिए इफ यू स्ट्रेच योर स्किन। और स्किन स्ट्रेचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में स्किन स्ट्रेच करनी है, बिकॉज एट द एंड आपको बालों का डायरेक्शन इस तरीके से करना है कि वो शेविंग में आसानी से कट पाए। अगर आपने ग्रेन मैपिंग वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने सारे डिटेल्स बताए तो आप जरूर देख सकते हैं, लिंक ऊपर दे दूंगा मैं। ऑलराइट, वेरी नाइस, इसमें एक ऑडिबल फीडबैक जरूर मिल रहा है रेजर में। इधर शेव करना है तो स्किन कैसे स्ट्रेच करोगे, इस तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों जबरदस्ती नहीं करना यार, अगर हो रही है तो करो, बेफालतू में खींच तांग वैसा नहीं, थोड़ा सा स्किन स्ट्रेच करना है क्योंकि बाल जो है वो अगर इस तरीके से थोड़े ऐसे हो जाए तो ब्लेड उनको आसानी से काट पाएगी। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जिनसे कि आपकी शेविंग की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। नंबर वन ऑफ देम इज प्रोडक्ट्स, तो अच्छे क्वालिटी के रेजर्स आप यूज करें, प्री शेव रूटीन आपका अच्छे से करें, ओके, उसके बाद में अच्छे क्वालिटी के सोप्स ब्रशेस वगैरह यूज करें, ओके, ब्लेड्स आपको पता होने चाहिए कि यार आपके लिए कौन से सही होंगे, फिर टेक्निक्स भी होती है, ओके, स्किन स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप गुनगुने पानी से फेस वॉश करते हैं और शेविंग में इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपकी शेव ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, ऐसा मुझे लगता है, बट नॉट नेसेसरी कि यू नो सबको वैसा इफेक्ट मिले। तो आप कोल्ड वाटर शेव्स भी करके देखें, हॉट वाटर या वार्म वाटर शेव्स भी करके देखें और फिर तय करें आपके लिए कौन सी जम रही है। एक बात अच्छी कि इसका हेड जो है वो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा फ्लैटर साइड पे है, विच मेक्स इट इजियर टू यूज इन दिस एरिया। ये बल्की हेड नहीं है,
या मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील कि वो ब्लेड फील एज फील है या नहीं है. ओके कुछ और स्ट्रोक्स करते हैं फिर देखते हैं. क्विक बफिंग स्ट्रोक्स ऑन डिफिकल्ट एरिया. दिस रेजर इज वेरी इजी टू राइड विद अ टॉप कैप. मतलब टॉप कैप से अगर आप राइड करोगे तो शायद आपकी शेव्स और ज्यादा स्मूथ होंगे. दिस इज अ गुड रेजर टू टॉप कैप राइडिंग. ओके एस्पेशली अगेंस्ट द ग्रीन एरिया में लास्ट शेव में हमने देखा था इजिली शेव हुआ था विदाउट एनी कंसर्न्स. आइए सेकेंड पास के लिए लादरिंग कर लेते हैं. और राइट थोड़ा सा पानी सिर्फ मैंने अप्लाई किया जितना लादर ब्रश में है इतना ही. दस स्वर्ल्स में ओ वाव ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेंट. आई वुड से इन 2022 मैंने जितने भी सोप्स यूज किए परफॉर्मेंस वाइज तो यार देख ही रहे हो यार मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे ज्यादा शेवोलॉजिस्ट के बारे में. बट फ्रॉम अ फ्रेग्रेंस स्टैंड पॉइंट दिस वुड बी माई नंबर वन शेविंग सोप फॉर श्योर. इसका मतलब फ्रेग्रेंस इतना गजब का है बहुत बढ़िया. एंड सटल होने के बावजूद भी इसमें एक स्ट्रांग प्रेजेंस है विच इज बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं है. दैट इज अ गुड थिंग. वरना शेविंग सोप तो अगरबत्ती वाले भी चल ही रहे हैं चल ले दो एनीवेज. ऑलराइट दिस इज अ पेस्टी लादर. अब ये थोड़ा पेस्टी है. अगर आपको लगता है कि नहीं यार पेस्टी लादर नहीं होना चाहिए तो आप फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी पे कर सकते हैं. डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर प्रेफरेंस एंड योर कन्वीनियंस ऑफ शेविंग. सेकेंड पास चालू करते हैं. ऑलराइट पास नंबर टू अक्रॉस द ग्रोथ. वाह टॉप कैप राइडिंग में बहुत सही काम कर रहा है रिवर. I have never been disappointed with any of the Parker products so far. Honestly, the blades, 91R, my most favorite razor, 97R, another most favorite razor, okay, which are made in India, and Parker, matlab, none of the products, like Injector, it is also very good razor. Mujhe to achha laga wo bhi. इससे मुझे याद आया कि मुझे वो भी कभी यूज करना चाहिए. आई विल जल्द से जल्द यूज करने की उसको ट्राई करेंगे. ओके ब्लेड इज रिलेटिवली टाइटली हेल्ड इन दिस हेड फॉर श्योर. खास करके अगेंस्ट ग्रीन जब मैं शेविंग करता हूं तो मुझे पता पड़ जाता है कि वो ब्लेड चैटर वगैरह कैसा है क्या है. सो इसमें तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट फील मुझे नहीं हो रहा है. सो द ब्लेड इज टाइटली बाउंड एंड विच इज अ गुड थिंग. बट ऑनेस्टली जिन रेजर्स में मुझे ज्यादा फीडबैक भी मिला है उसमें भी मुझे कोई डिस्कम्फर्ट आज तक पता नहीं पड़ा. या बट अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने में एक डिफरेंस फील होता है बिकॉज द मोर द वाइब्रेशन इन द एज द डिफिकल्ट इट इज फाइंड द राइट एंगल फॉर अगेंस्ट द ग्रेन शेविंग और अक्रॉस द ग्रेन शेविंग. स्लिकनेस सोप की बहुत अच्छी है. आई एम फीलिंग माई स्किन मॉइस्चराइज. खैर वो तो स्किन फूड भी हम अप्लाई करेंगे ही. बट या देर इज नो ड्राइंग इफेक्ट विच इज आई एम श्योर इट इज बिकॉज ऑफ द कैलाश शेविंग सोप प्लस द इफेक्ट ऑफ द एलोवेरा फेस वॉश फ्रॉम पतंजलि. अगेंस्ट द ग्रेन शेव करते हैं. अगेंस्ट द ग्रेन शेव. ओके हमारे एक बहुत ही खास व्यूअर जॉय घोष कहते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेन में आप बताते हो कि लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेना चाहिए. वेल डेफिनेटली येस दिस इज माई एक्सपीरियंस कि अगेंस्ट द ग्रेन में हमेशा लंबे लंबे मतलब इस प्रकार के स्ट्रोक्स लेने से मेरी शेव्स तो ज्यादा अच्छी होती है. नाउ इफ यू फील कि यार अगेंस्ट द ग्रेन में भी आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने से ही फायदा होता है गो अहेड ट्राई दैट डू दैट एक्सपीरियंस और अपने हिसाब से आपकी शेव्स एडजस्ट कीजिए.
वही मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, ट्रेडिशनल वेट शेविंग का एक ही रूल है कि आपके लिए जो सही है वो सही है, आपके लिए जो सही है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सही होगा। तो वो आपको ट्राई करके ही देखना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज आपके लिए जम रही है और कौन सी चीज नहीं जम रही। तो जो नहीं जम रही उसको अवॉइड करो, जो जम रही है उसको कैरी ऑन करो, और फिर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी शेव्स को और बेटर बनाने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट ट्रेडिशनल वेट शेविंग इज ऑल अबाउट। आइए रिंस कर लेते हैं और फिर चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन में। ओके, सो आफ्टर शेव सेक्शन में पहले थोड़ा सा पानी चेहरे पे। ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग एलम। ओके, तो इसको थोड़ा लिबरली यूज कर रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा फीडबैक है, थोड़ा सा बर या थोड़ा सा स्टिंग जरूर देगा, और दिस कुड बी वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ अवॉइडिंग पोस्ट शेव इरिटेशन और पोस्ट शेव प्रॉब्लम्स, जैसे कि इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कट्स लगे हो तो उसको सील कर देगा, ये इन्फेक्शंस को अवॉइड करेगा, बिकॉज दिट्स इटसेल्फ इज एन एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट। ओके, और जो लोग रोज शेविंग करते हैं आई थिंक उनको अपने रूटीन में एलम जरूर इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज योर स्किन यू नो हैज टू गो थ्रू अ लॉट एंड इट नीड्स हीलिंग एंड टोनिंग अ लॉट मोर देन नॉर्मल पीपल हु शेव लाइक ट्वाइस अ वीक। सो एलम के साथ में ऐसा है दोस्तों कि काफी सारे बार्बर शॉप्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एलम को इस तरीके से, मतलब फिटकरी को इस तरीके से लगा लिया जाता है, एंड फिर उसके बाद में इसके ऊपर ही थोड़ा सा पानी स्प्रे करके क्रीम लगा देते हैं। और मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि यू कैन यूज लाइक दैट, और द सेकेंड वे इज जैसे मैं यूज करता हूँ कि भाई आपने एलम लगा लिया और उसके बाद में 30 से 40 सेकंड बाद आप रिंस कर लीजिए और इसके ऊपर जो भी आपका आफ्टर शेव प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई एन आफ्टर शेव बाम गो अहेड, इफ यू वांट टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर विद सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल। एलम को कर लेते हैं रिंस। ऑलराइट, या सो ड्राई तो नहीं लग रही है स्किन, बट श्योरली यू नो टोन्ड लग रही है, यू नो इट्स नॉट फीलिंग एज इफ एक्सपांडेड, इट्स रियली फीलिंग द पोर्स आर क्लोज्ड। ऑलराइट, सो कैलाश स्किन फूड फ्रॉम शेवोलॉजिस्ट अगेन। ओके, एंड आई जस्ट टेक सम पम्प्स ऑफ इट, सो अबाउट लगभग इतना, थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने बट दैट्स ओके, मुझे पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। और इसका सेंट जो है वो थोड़ा सा सोप आई से सिमिलर है, बट इट फील्स मोर कलोनी लाइक अ नॉयर, NOIR एकदम जुप करके एब्जॉर्ब हो गया। वेरी गुड यार, एलम और एलम के ऊपर एक अच्छा स्किन फूड, व्हाट एल्स डज द स्किन नीड आफ्टर गुड शेव। वेरी नाइस फ्रेग्रेंस प्रोफाइल दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। या दिस शेविंग सेट कुड बी रियली माय नंबर वन शेविंग सेट ऑफ 2022 फॉर श्योर। सो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ अगेन, द एलम वॉज कार्ड फॉर मी स्पेशली बाय माई डियर फ्रेंड श्री SS चौहान साहब। तो चौहान साहब फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है एलम, और ये एलम जो है वो प्रेस्ड एलम से थोड़ा डिफरेंट है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन द प्रेस्ड एलम एंड दिस एक्चुअल कार्ड एलम। दिस इज लाइक एन एलम स्टोन, इसमें कोई प्रेस वगैरह नहीं किया गया है, ये प्रॉपर एलम ही है। ऑलराइट, पार्कर 78R वेरी प्रॉमिसिंग रेजर, इसमें आई वोंट से मतलब कोई ब्लेड फील तो ऐसे मुझे नहीं हुआ, शेव अच्छे से हुआ। आई थिंक टॉप कैप राइडिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन दिस रेजर, इट शेव्स वेरी स्मूथ विद टॉप कैप राइडिंग, एंड या इट हैज बीन स्मूथ, लाइक देर इज नो कंसर्न एज सच, हाथ गीले होने पे भी, सोपी होने पे भी कोई फिसले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगेंस्ट द ग्रेन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। या इट्स गुड, अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, एंड स्पेशली व्हेन यू गेट देम फ्रॉम द आर्टिजन्स एंड गुड ब्रांड्स लाइक पार्कर, देन दे रियली मेक सेंस फॉर हैविंग अ गुड शेव। वरना कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी चल रहे हैं 30-30% डिस्काउंट के बावजूद भी कोई ले नहीं रहा, और फिर पोस्ट आती है ये हो गया वो हो गया क्लासिक वासिक ये वो, और फिर वही चोर चोर मौसेरे भाई कमेंट्स करते हैं उन पोस्ट पे, और कहानी चल रही है ऐसी भी कॉमेडी इन वेट शेविंग। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय और नमस्कार बाय